मॉर्निंग प्यारे बच्चों, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 17 पर कर चुके थे, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 और 19 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 18 लिखा गया है, क्वेश्चन लिखा गया है, ध्यान दीजिए, 16 से जो भी सभी अभाज्य और संयुक्त संख्याएं अलग अलग होती है। ठीक है, क्या करना है, तो 16 से छोटी सभी अभाज्य और संयुक्त संख्याएं अलग अलग होती है। चलिए देखते हैं क्या उसमें लिखेंगे। अभाज्य संख्याएं सोलह से छोटी अभाज्य संख्या बराबर क्या रहा संख्या जी, आपका क्या होगा, दो होगा। ठीक है, दो तीन पांच सात ग्यारह तेरह, ठीक है, 15 सोलह नहीं होगा, ये बच्चा है जी आपका अभाज्य। ठीक है, ये देखेंगे संख्या संयुक्त लिखेंगे 16 से छोटी संयुक्त संख्याएं बराबर क्या, 16 से छोटी संयुक्त संख्याएं बराबर। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या आ गया जी, यहाँ आ गया संयुक्त या अभाज्य। ठीक है, ये सभी को लिखा गया अभाज्य है, और जो बच्चा है 16 से कम तो सभी क्या है जी, एक को छोड़कर सभी क्या है संयुक्त है या अभाज्य है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, हो जाएगा 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, ये क्या है 16 से छोटी लिखना है, 16 से कम लिखेंगे, कम ये 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 सभी क्या है, सभी आपको संयुक्त या भाज्य संख्या है। ठीक है, जबकि 16 छोटी क्या है, सभी अभाज्य संख्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, देखते हैं बच्चों का क्वेश्चन क्या है, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन लिखा है 19 नंबर, क्या 17 से 29 अभाज्य संख्या है। लिखा है 19 नंबर, क्या 17 से 29 अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं संख्या है, और यहाँ ध्यान दीजिए पूछा है क्या 17 से 29 अभाज्य संख्या है, तो यहाँ कैसे पहचानेंगे कि 17 से 29 अभाज्य संख्या है अथवा नहीं है, तो
ध्यान रखें इसके इंटरनेशन पर कि हर संख्या का गुण क्या होता है, क्या उसका परिभाषा होता है, जबकि हमने पिछले कई वीडियो में इस पे चर्चा कर चुके हैं। जैसे हर संख्या से कहते हैं कि हम ये बताए गए हैं, सुन लीजिए। तो ऐसी संख्याएं, वह ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनमें जिनमें एक तथा स्वयं के अलावे अन्य अंकों से पूरा पूरा भाग न लगे, उसे हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब यहाँ देखेंगे 1729 है, ऐसे यहाँ देखिए 1729 है, इसमें आपको भाग लगेगा, एक से हमें भाग लगेगा, दो से नहीं लगेगा, तीन से लगेगा, तीन पर 15 हो जाएगा, कटाएंगे इसको, जब कटेगा तो सात दूनी 14 3, ठीक है, सात कटेगा, सात दूनी 14 3 हो गया 32, 28 28, 49 49, कितना गया 247। फिर ये कटेगा इससे 24, इसमें कटेगा 400 कटेगा, 700 कटेगा, 7 3 9, जब कटेगा 9 से 9 27 9 से 8 7 6 14 14 से 9 से 11 से, ठीक है, ये कटेगा मतलब इसका इसका जो होगा एक से अधिक इसका होगा अभाज्य गुणनफल, यानी इसमें कह सकते हैं कि जो संख्या 1729 इसमें एक तथा स्वयं के अलावे अन्य अंक से भी पूरा पूरा भाग हो सकता है। जैसे हमें 7 का भाग लगा, ठीक है, एक से भाग लगेगा 7 से और स्वयं 1729, तो 1729 क्या आपका अभाज्य संख्या नहीं है। क्या लिखेंगे आंसर में, 1729 अभाज्य संख्या नहीं है, नहीं, ठीक है। फिर आप समझ गए कि नहीं है तो कैसे नहीं है, ठीक है, फिर भी एक कोई संख्या है, एक किस संख्या को पता चला है 1729, इसे हम लोग जानेंगे। तो देखिए 1729 जो है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं रामानुजन संख्या। क्या कहते हैं जी? रामानुजन संख्या। यह नाम महान गणितज्ञ रामानुजाचार्य के नाम पर पड़ा है, इस संख्या का नाम रामानुजन संख्या। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि ऐसी दो संख्याओं के भंगों के योगफल के रूप में लिखा जाए जिनका योग 1729 के बराबर हो, जिनको हम कहते हैं रामानुजन संख्या। इसे खोलते हैं, ध्यान दीजिए कि ऐसी दो संख्याएं जिनके भंगों का योग, ठीक है, जिनके भंगों का योग 1729 के बराबर हो, उसे हम कहते हैं रामानुजन संख्या। तो देखेंगे कि कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका भंग करने पर जिनके घनों का योग 1729 के बराबर होगा, ठीक है, ये अलग है, ठीक है, यहाँ लिखेंगे 1729 एक रामानुजन संख्या है। क्या जी? रामानुजन संख्या है। और इसे क्या विशेषता होता है? अभी बताया है कि वह ऐसी दो संख्याओं को घनों के रूप में लिखा जाए जिनके घनों का योग 1729 के बराबर हो। यहाँ देखेंगे समझ सकते हैं, यानी 9 का घन और 10 का घन कौन जाएंगे, कितना होता है जी? 9 का घन प्लस 10 का घन कितना होता है? 9 का होता है 729 और 10 का होता है कितना? 1000। कितना हो गया जी? ये बढ़ गया 1729, ठीक है, अर्थात इसको सिद्ध कर रखा 1729 हमें जो संख्या है कैसे, ठीक है, समझ चुके होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 और 19, ठीक है, इस अध्याय का यानी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर
एक बचा है उसमें बीस बचा है, इसमें सत्य और असत्य की पहचान करना है। ठीक है, उसको भी बता देंगे इस वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए।